मैं रवि मिश्रा आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जेनेटिक्स से संबंधित डीएनए। आप सब डीएनए से परिचित पूर्व में होंगे। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए कहलाता है। सभी जीवों में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। यह उनके माता पिता से गुणों को उनकी संतानों में लाने का कार्य करता है। आते हैं डीएनए के इतिहास पे। आल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, यहाँ पे देखेंगे, आल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1889 में केंद्रक के मध्य भाग को न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक के मध्य भाग को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड किसने नाम दिया था, तो आल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा है, केसोल ने 1893 में पता लगाया कि अगर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा जाए, इन्होंने एक प्रयोग किया था और अपने प्रयोग के दौरान जब इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा तो उसमें देखा कि चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस, फास्फेट एवं कार्बोहाइड्रेट, तीन कंपोनेंट उसमें इनको मिले। केशोल नामक वैज्ञानिक के इस प्रयोग के वजह से इन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला था, जिसमें केशोल ने बताया था कि अगर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा जाए तो नाइट्रोजन, बेस, फास्फेट और कार्बोहाइड्रेट, तीन चीज़ें प्राप्त होती हैं। न्यूक्लिक एसिड देखा जाए तो सभी जीवों में न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए, एक आरएनए। आरएनए जो होता है यह साइटोप्लाज्म में होता है, अर्थात किसी भी कोशिका के कोशिका द्रव्य में आरएनए होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है कि यह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। कुछ ऐसे जीव हैं जैसे वायरस, उन सब में यह जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी कार्य करता है। डीएनए क्या चीज़ है, यह केवल केंद्रकों में पाया जाता है, केंद्रक में, न्यूक्लियस में, और यह कुछ जो स्वायत्त कोशिका अंग हैं, स्वतंत्र रूप से जो कोशिका अंग हैं उनमें भी डीएनए पाया जाता है। तो ये जानने वाली चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए साइटोप्लाज्म में और डीएनए केंद्रक में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला है, फ्रेडरिक मिशिर ने न्यूक्लिन की खोज की थी। यह भी पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नाम किसने दिया था, तो न्यूक्लिन नाम फ्रेडरिक मिशिर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसमें फ्रेडरिक मिशिर के न्यूक्लिन की खोज करने के बाद डीएनए और प्रोटीन में वैज्ञानिकों के बीच विवाद खड़ा हो गया कि क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या फिर प्रोटीन, क्योंकि उसके पहले, इस खोज के पहले ये माना जाता था कि प्रोटीन एक ऐसा है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि प्रत्येक जीव के शरीर में जितने भी स्पेशलाइज होते हैं, जितने भी विशेषताएं होती हैं, वह सब प्रोटीन के कारण आती हैं। तो ये डीएनए और प्रोटीन की विवाद के कारण हुए। अब हम इससे आगे देखते हैं कि कैसे डीएनए को ही विभिन्न वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे जीवाणु के प्रयोगों पर, जो कि प्रोटीन और डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के विवाद को सुलझाया था। इसमें सबसे पहला प्रयोग ग्रिफिथ ने किया था 1928 में न्यूमोकोकई बैक्टीरिया पर, और इस प्रयोग पर इन्होंने इस न्यूमोकोकई बैक्टीरिया, जो निमोनिया रोग फैलाता है, उसको चूहों पर प्रयोग किया था। और यस एवं आर दो प्रकार के इन्होंने न्यूमोकोकई को बनाया था, एक को डेड करके और एक को जिंदा रख करके। फिर इसको इन्होंने चूहों में प्रयोग किया और देखा चूहों के अंदर ही जो डेड जेनेटिक मटेरियल न्यूमोकोकई का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वह ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये प्रयोग करके इन्होंने जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की। तो याद रखिएगा कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की खोज ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो न्यूमोकोकई बैक्टीरिया का प्रयोग किया था चूहों पर। तो इससे जेनेटिक मटेरियल डीएनए है यह थोड़ा साबित हुआ। फिर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, हार्से एवं चेज। इन दोनों लोगों ने 1952 में रेडियो एक्टिव
ट्रेसर टेक्निक, फिर से सुनेंगे, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक माध्यम से हार्से एवं चेज नामक वैज्ञानिक ने 1952 में रेडियो धर्मी अनुरेखक तकनीक, इसका ये हिंदी वर्ड है, के द्वारा ई कोलाई बैक्टीरिया पर प्रयोग किया। और उसमें इन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया था। आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि डीएनए ही एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। आपको अगर ये हार्से एवं चेज और ग्रिफिथ, इन दोनों लोगों का अगर प्रयोग आपको देखना होगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मैंने डाला हुआ है, मैं इस पे वीडियो बनाया हूँ, तो इस वीडियो को देख करके आप दोनों आराम से देख सकते हैं कि इस प्रयोग को उन्होंने कैसे किया था। फिर आगे देखते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक अब पढ़ते हैं, हम सीधे आते हैं डीएनए पर। अब हम देखते हैं कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। हार्से एवं चेज नामक वैज्ञानिकों के शोध द्वारा यह सिद्ध हो गया कि कहीं ना कहीं जो न्यूक्लिक एसिड था उसका डीएनए जो है वह अनुवांशिक पदार्थ है। तो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, अनुवांशिक पदार्थ है। पहली चीज़ क्लियर हुई। डीएनए क्या होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कई न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी चेन खड़ी होती है और वह लंबी चेन बना लेती है पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, और पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है डीएनए। डीएनए न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है। डीएनए इज ए लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स, मोनोमर्स या पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स कई मोनोमर्स मिलकर के पॉलीमर बनते हैं। डीएनए में कई मोनोमर्स जुड़कर पॉलीमरेज बनाते हैं। फिर से सुनेंगे, डीएनए में कई मोनोमर्स जुड़कर पॉलीमरेज बनाते हैं, इसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिससे डीएनए का निर्माण होता है, कई मोनोमर एक दूसरे के एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक पीछे एक जुड़ करके कई मोनोमर जुड़ते हैं, इसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, और इससे बनता है पॉलीमर, और यही न्यूक्लियोटाइड्सों के जुड़ने को ही पॉली न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। दो मोनोमर्स के जुड़ने से बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ है, तो यहाँ पे देखेंगे रासायनिक पदार्थ होने के कारण जब यह कागुलेट करेगा, जुड़ेगा, तो कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बॉन्ड बनता है के कारण जल का एक अणु मुक्त होता है, जल का एक अणु मुक्त होता है, इसलिए इसे निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण। फिर से सुनेंगे, दो मोनोमर्स के जुड़ने से बंध बनता है, बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनने के कारण जल का एक अणु, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण कहते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है डीहाइड्रेशन कंडेंसन सिंथेसिस कहते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, यहाँ पे मैंने बताया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, तो ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। अब आते हैं डीएनए के कंपोनेंट। डीएनए कुल तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। चलते हैं आगे, इन तीनों चीज़ों को हम एक चार्ट द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे इसमें, अब आते हैं डीएनए। डीएनए के कुल तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। मैं पिछले उसमें बताया भी था कि पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। फिर से सुनेंगे, फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, सेकंड इज फॉस्फेट ग्रुप और थर्ड इज नाइट्रोजनस बेस। आते हैं पेंटोज शुगर पे। पेंटोज शुगर में C5H10O4 होता है,
आप जानते हैं कि यह भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें प्रायः कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक समान तथा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कार्बन और ऑक्सीजन के डबल होते हैं। लेकिन चूंकि इसमें मैंने बताया है यहाँ पे कि जब इसका निर्जलीकरण होता है संघनन की क्रिया द्वारा, मोनोमर्स जब जुड़ते हैं तो जल का एक अणु मुक्त होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन एक निकल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे C4 हो जाता है। इसलिए C4 होने के कारण ही इसे डी ऑक्सी राइबोज शुगर भी कहते हैं। हम DNA के शुगर को, पेंटोज शुगर को डी ऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C5H10O4, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। तो एक कंपोनेंट हमारा पेंटोज शुगर हो गया, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरा फास्फेट आता है PO4, दूसरा होता है PO4, यहाँ पे देखेंगे, जिस पे माइनस चार्ज होता है, और इस माइनस चार्ज के कारण ही यह DNA जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तीसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कुल अगर देखा जाए तो चूंकि ये DNA मैंने लिखा हुआ है, तो DNA में नाइट्रोजनस बेस केवल चार होते हैं, 4 types of nitrogenous base, चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। फिर से सुनेंगे, एडेनिन, एडेनिन का सिंबल हम ए से दिखाते हैं, ग्वानिन को हम जी से सिंबल इसका जी दिखाते हैं, साइटोसिन को सी से दिखाते हैं, थाइमिन को हम टी से दिखाते हैं। आपको एक और नाइट्रोजनस बेस दिखाई दे रहा होगा, यूरेसिल, यह भी नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन यह केवल आरएनए में पाया जाता है। तो चूंकि हम डीएनए पढ़ रहे हैं इसलिए इसका जिक्र नहीं, लेकिन याद रखिएगा, अगर केवल ये पूछे कि किसी भी जीव के न्यूक्लिक एसिड में कुल कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में कुल 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। लेकिन अगर डीएनए में पूछे डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन कुल 4, डीएनए में केवल 4, अगर न्यूक्लिक एसिड में पूछेगा तो 5, क्योंकि आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल, इसकी जगह पे ये रिप्लेस हो जाता है, थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए, दोनों में या थायमिन पाया जाएगा या यूरेसिल, डीएनए में थायमिन और आरएनए में यूरेसिल। आगे बढ़ते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, इन दोनों को पिरामिडिन्स भी बोला जाता है, और ये पिरामिडिन्स एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और ये जो होता है यह डबल रिंग होता है, डबल रिंग का बना होता है। अभी मैं आगे इसका एक चित्र द्वारा आपको बताऊंगा कि कैसे डबल रिंग होता है। इसमें पहला होता है जो रिंग, वह हेक्सोज होता है, हेक्सोज होता है, और जो दूसरा इसका होता है वो पेंटोज होता है। तो दो रिंग होते हैं, एक हेक्सा होते हैं और एक होता है पेंटा। तो दो रिंगों से मिल करके हमारा क्या बना होता है, प्यूरीन बना होता है। और प्यूरीन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन। फिर से सुनेंगे, जो नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन है वह एडेनिन और ग्वानिन है। प्यूरीन दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। यह डबल रिंग होता है जिसमें एक रिंग हेक्सा होता है और दूसरा रिंग पेंटा होता है। इसी तरह से ग्वानिन भी होता है और एडेनिन भी होता है। आगे अगर आप यहाँ पे चले आएँ और ये देखें साइटोसिन और थाइमिन, तो साइटोसिन और थाइमिन को हम पिरिमिडिन बोलते हैं। फिर से सुनेंगे, साइटोसिन और थाइमिन को पिरिमिडिन्स बोला जाता है, और पिरामिडिन जो होता है वह सिंगल रिंग होता है, सिंगल रिंग, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ है इसका सिंगल रिंग बनता है, और ये केवल हेक्सा होता है, ऐसे करके हेक्सा में होता है। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और यूरेसिल भी क्या होता है, यह भी पिरिमिडिन का ही भाग है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि पिरिमिडिन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पिरिमिडिन्स अगर कितने प्रकार के हैं पूछा जाएगा, तो वह 3 प्रकार के हो जाएगा, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल।
और यह कैसा होता है, सिंगल रिंग। डीएनए में पिरामिडिन्स कितने प्रकार के होते हैं, अगर यह क्वेश्चन पूछे केवल डीएनए में पिरामिडिन्स कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के, साइटोसिन थाइमिन। अगर पूछे कि आरएनए में पिरामिडिन्स कितने प्रकार के होते हैं तो साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये था डीएनए के कंपोनेंट। फिर से एक बार देखेंगे, डीएनए तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो नाइट्रोजनस बेस डीएनए में चार प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन कहलाते हैं, जो डबल रिंग होते हैं, इनमें एक हेक्सा और एक पेंटा रिंग बनता है। पिरामिडिन्स में सिंगल रिंग होता है, इसमें साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, और ये इसमें हेक्सा ही होता है। आरएनए के अंदर अगर देखेंगे तो यह भाग आरएनए का है, चूँकि मैंने अलग से इसमें समझाने के लिए लिख दिया है, तो ये आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल, अर्थात यूरेसिल थाइमिन को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि कैसे इनकी संरचना होती है। यहाँ पे बहुत ही समय ज़्यादा ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे क्या होता है, अगर आप किसी डीएनए की संरचना देखेंगे तो डीएनए एक सीढ़ी नुमा संरचना होता है। इसमें ऐसे अगर कोई सीढ़ी है ऐसे, तो ये सीढ़ी को क्या करें, ऐसे पकड़ के और रोटेट कर दें, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। लेकिन हम उसके बाद आएंगे कि पहले इसका केमिकल संरचना देख लेंगे कैसा होगा। हमेशा याद रखिएगा, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ, या फिर साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन के साथ, या थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन के साथ बनेंगे। हमेशा एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, ऐसे करके आप इनके साथ आकर के जोड़ देंगे शुगर को। यहाँ पे शुगर जुड़ जाएगा, यहाँ पे शुगर जुड़ेगा। थोड़े कलरफुल चाक ले लूँ जिससे कि कुछ क्लियर और होता रहे। हम शुगर को इससे बनाते हैं, शुगर यहाँ पे, शुगर यहाँ पे, शुगर यह भी, यह भी, यह भी और यह भी। अब देखेंगे, हमेशा आप देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजनस बेस के साथ एक डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरे नाइट्रोजन के बाद दूसरा राइबोज शुगर, और इसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि एक शुगर दूसरे फास्फोरस के साथ यहाँ पे अटैच होता है, फिर ये पी इसके साथ, फिर ये पी इसके साथ, फिर ये यहाँ पे पी इसके साथ, फिर ये पी इसके साथ, फिर ये पी इसके साथ, और ये फिर पी इसके साथ। अब आपको पूरा डीएनए की संरचना दिखाई दे रही होगी, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें आपको यहाँ पे एक ऐसे अगर देखेंगे तो एक एक्सिस आपको दिखाई देगा मध्य में, अगर आप देखेंगे, और ये पूरा का पूरा जिसमें बना होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि एक चेन का निर्माण एक पी, यस और सी, ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। आप इसको हटा दूं मैं, ये कहलाता है चाक प्रॉप, न्यूक्लियोटाइड्स। अब होता क्या चीज़ है कि न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण, यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण जो होता है वह होता है किससे, नाइट्रोजनस बेस प्लस, देखिए यहाँ पे ये क्या है, सी साइटोसिन है, तो साइटोसिन के साथ फिर क्या आया, शुगर प्लस पेंटोज शुगर प्लस पी फॉस्फेट
ग्रुप। तो अब ये आपको समझ में आया होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप के साथ। अब अगर इसमें से फास्फेट ग्रुप हम निकाल दें, अगर ये फास्फेट ग्रुप हम हटा दें, तो बचेगा क्या? नाइट्रोजनस बेस और शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलकर के बना लेते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स बना लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर या पेंटोज शुगर मिलकर के क्या बना लिए? न्यूक्लियोसाइड्स बना लिए। और जब तीनों मिलकर के, अब आप देखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ बना, फिर इसी प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ बना, नाइट्रोजनस बेस शुगर फास्फोरस, फिर यहाँ पे देखेंगे एक फास्फोरस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो इस प्रकार से एक लंबी चेन है यहाँ पे, एक लंबी चेन यहाँ पे, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो जब कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इक्वल टू क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड्स प्लस डैश 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 डैश, तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स का, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड, ये अगर ध्यान देंगे, न्यूक्लियोसाइड्स कब न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित होगा? तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड्स जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर दोनों के अलावा एक तीसरा फास्फेट ग्रुप जब इसमें जुड़ेगा, तो यह बदल जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि कब न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड में बदलेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फेट ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट ग्रुप जब दोनों मिल जाएंगे, तो ये दोनों क्या बना लेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स बना लेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बना लेंगे। तो यही पूछा जा रहा था कि कब न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड में बदलता है? जब इसमें फास्फेट ग्रुप ऐड होता है। अगर ये पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड्स को आपको न्यूक्लियोसाइड्स में बदलना है, तब आप क्या करेंगे? अगर न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड में बदलना है, तो इसमें फास्फेट ग्रुप रिमूव कर देंगे। पूछा अगर ये जाए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कब बनता है, तो जब न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड्स प्लस डैश 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 लंबी श्रृंखला बन जाती है, तो वह बना लेता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हो जाता है। तो ये था, और बनते कैसे हैं ये, अब इसमें हम आपको कुछ बॉन्ड बता देते हैं कौन कौन से बॉन्ड कहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। किस हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। उसके बाद में हमेशा नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ, नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जब जुड़ेंगे, तो इसे बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा नाइट्रोजन शुगर के साथ ऐड होगा, और एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइटोसिन गुआनिन या गुआनिन साइटोसिन के साथ दोनों इधर उधर हो सकते हैं, तो ये किसके साथ? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा
जुड़ता है। तो ये दो चीज़ें हैं। और हमेशा शुगर जो है फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है, इसको बोलते हैं फास्फो डायस्टर बॉन्ड। फिर से इसको मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है कि एक चीज़ यह भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमेशा नाइट्रोजनस बेस में प्यूरीन प्लस पिरीमिडीन के साथ ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं जैसे आपने एडेनिन गुआनिन बोला तो हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ, यह इसके साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। एडेनिन थायमिन के साथ क्योंकि ये प्यूरीन है यहाँ पे देखेंगे और ये पिरामिडीन है, तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ, जिसके साथ गुआनिन हमेशा, नीचे मैंने दिखाया हुआ है ये चीज़, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। एक नियम ये हुआ। दूसरी चीज़, हमेशा नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़ेंगे और एक शुगर दूसरे शुगर के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है एक शुगर फास्फेट के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा और फिर ये फास्फेट इस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। फिर शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। और हमेशा नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ते हैं। हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ने का कारण मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन बंध बड़े ही वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ये टूट जाते हैं और फिर आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से जुड़ भी जाते हैं, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। अब आते हैं वाटसन और क्रिक का दिया हुआ डीएनए मॉडल। मैंने कहा कि डीएनए का मॉडल देखते हैं, जिस प्रकार से मैंने चित्र बनाया था वो कैसे इस पर सेट होता है। इसके लिए आपको वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1953 में थ्री डायमेंशनल मॉडल दिया था कि कैसे डीएनए का मॉडल होगा। वाटसन और क्रिक के द्वारा जो डीएनए का मॉडल दिया गया था वह बी डीएनए था। डीएनए कई प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डी एन ए, जेड डी एन ए, तो बी डी एन ए का उन्होंने मॉडल दिया था। और यह मॉडल कुछ इस प्रकार से था, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई सीढ़ी ऐसे ले लें और आप सीढ़ी को अगर ऐसे रोटेट कर लें तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी, जिसमें इसका जो मेन एक एक्सिस हम मान लेते हैं, यह एक्सिस है, एक काल्पनिक अक्ष, इसके चारों तरफ ये डी एन ए रोटेट किए हुए हैं। होते कैसे हैं कि जिसका ये डंडा बनाने का काम करता है, इसके बीच में आप एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन के साथ, फिर थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन के साथ, साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन के साथ, और गुआनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ, थायमिन हमेशा डबल बॉन्ड एडेनिन के साथ, ऐसे करके जुड़े होते हैं, जिसमें जो सीढ़ी का ये डंडा ये वाला भाग बनाता है यह नाइट्रोजनस बेसों का बना होता है। नाइट्रोजनस बेस इसमें होते हैं, यहाँ पे देखेंगे, फिर से देखेंगे, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन के साथ, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर थायमिन एडेनिन। ये मैंने याद नहीं किया है, ये रैंडम हो सकते हैं, आप में भी हो सकते हैं ऐसा, किसी और में, किसी जंतु में, किसी पौधे में, तो ये इनका रैंडम ऐसे चलता रहता है। यहाँ भी ऐसे एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन सब भी ऐसे भर देंगे। तो अब ये चीज़ देखा, ये डंडे बनाने का नाइट्रोजनस बेसों ने काम किया। फिर यहाँ पे जो होते हैं, इसका ये जो भाग बनाता है, ये भाग जो बनाते हैं, इसमें आते हैं शुगर और पेंटोज। ये शुगर, यस, यहाँ पे यस, पी, यस, इसका इतना अगर आप इसका सेक्शन काट के देखेंगे आपको ये भाग पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। अर्थात शुगर और फास्फेट, इसके दोनों मूल अक्ष ये बनाते हैं। यहाँ पे ये शुगर और फास्फेट द्वारा बनता है,
नाइट्रोजनस बेस सीढ़ी का बीच वाला डंडा बनता है। अगर आप इसको खोल देंगे तो दो ऐसे आपको डंडे दिखाई देंगे और दोनों डंडों के बीच में नाइट्रोजनस बेस जिस पे सीढ़ी पे पांव रख के चढ़ते हैं वो होगा। और इसका निर्माण यहाँ पे मैंने सेक्शन काट के दिखाया है, यस पी यस। और यहाँ पे फिर आपके शुरू हो जाते हैं यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन। तो ये था। अब इसमें होता चूँकि ये बी डी एन ए है तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, मतलब एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस की बीच की दूरी अधिकतम 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? एक हेलिक्स, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, इसका नाम है डबल हेलिक्स मॉडल है। तो एक हेलिक्स को पूरा करने में 20 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको आधा हेलिक्स देखा जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या कह सकते हैं कि ये इसके बीच की दूरी देखा जाए तो ये एक्सिस हमने माना है तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। दो चीज़ें पता चला। तीसरी चीज़, अगर एक क्वाइलिंग यहाँ से देखा जाए और ये क्वाइलिंग यहाँ तक आ करके, मतलब कि एक क्वाइलिंग पूरा करने में डीएनए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये जो है ये 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी तय करता है। फिर से सुनेंगे, हेलिक्स की अधिकतम दूरी 20 एंगस्ट्रॉम, एक चक्र पूरा करने में डीएनए 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी लेता है, और एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस की अगर दूरी देखा जाए ये और ये, तो ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम होता है पूरा हेलिक्स पूरा करने में, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है दो नाइट्रोजनस बेसों के बीच की दूरी, और एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसका अगर देखा जाए तो एक इंड अगर 5 इंड होगा तो इसका एंटी 3 इंड होगा, और यह फिर लास्ट में जाएंगे तो ये 3 इंड होगा और 5 इंड। अब आपको ये इंड इसलिए होता है कि जब आप शुगर को काटेंगे, यहाँ से शुगर को जब काटेंगे तो आप, चूँकि ये पेंटोज शुगर है ऐसे करके तो काटेंगे यहाँ पे, तो एक इंड अगर यहाँ पे 3 पे कट रहा है तो दूसरा वाला इसका एंटी जो कटेगा वो 5 इंड पे कटेगा। अगर इधर का 5 इंड कट रहा है तो इधर आकर के 3 इंड कटेगा। तो ये पेंटोज शुगर पे डिपेंड करता है कि डीएनए का हेलिक्स का एक अगर 5 होगा तो उसका एंटी 3 होगा, और उसका अंतिम छोर फिर 3 होगा तो उसका एंटी 5 होगा जब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये था वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल, इसे मैंने आप सभी के सामने बता दिया। और शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यहाँ पे इसको अगर चाहें तो लिख सकते हैं आप, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन का ये निर्माण करता है, ये भाग जो मैंने यहाँ पे बताया था। तो ये आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है और वाटसन क्रिक नामक वैज्ञानिकों द्वारा हुआ दिया हुआ। इसके बाद में एक आता है चारगाफ के रूल्स, तो चारगाफ के रूल्स भी मैं आपको बता दूं कि जल्दी में, कि हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन, जितनी साइटोसिन उतनी ही गुआनिन, और प्रत्येक जीव जातियों में ये नाइट्रोजनस बेसों का जो संख्या होता है, या कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या, वो लगभग इक्वल होती है। और फिर अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बस आज इतना ही, वीडियो बड़ा ना हो जाए। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।